अहमद, आज मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अमीर कबीर, लैंडलॉर्ड, पैसे की भरमार। अच्छा, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है। उसको एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। क्योंकि पैसा है, उसके किसी दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि तुम्हारा इलाज इंग्लैंड में मुमकिन है, आप इंग्लैंड चले जाए, वहां आपका इलाज हो जाएगा। तो फिर इंग्लैंड क्या, इंग्लैंड चला गया। अब जब इंग्लैंड चला गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, ट्रीटमेंट चल रही है इंग्लैंड के हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल में, ट्रीट चल रही है। चार दिन गुजरने के बाद उस हॉस्पिटल का जो एमएस, जिसको कहेंगे यानी कर्ता धर्ता हॉस्पिटल का, जॉर्ज एले उस डॉक्टर का नाम था। जॉर्ज एले सर्वे पे आता है वार्ड में, उसकी नजर इस पेशेंट पे पड़ती है। ठीक है, वो इतना अट्रैक्ट करता है कि वो जॉर्ज पेशेंट के पास चला जाता है। उसे हेलोए करता है, उसे पूछता है भाई कैसा महसूस कर रहे हो। उसे मतलब महसूस क्या करना, मैं तो इन इन बीमारियों में घिरा हुआ था। बोला ठीक है, आप क्या खा रहे हैं, जॉर्ज ने पूछा। पेशेंट उससे कह रहा है अरे भाई वही खा रहे हैं जो सब खा रहे हैं, हॉस्पिटल में जो मिलता है वही खा रहे हैं, हॉस्पिटल में खाना खा रहे हैं। बिल्कुल। जॉर्ज ने कहा नहीं, अब आप हॉस्पिटल का खाना नहीं खाएंगे, आप खाना वो खाएंगे जो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। इतना अच्छा नेक डॉक्टर। मरीज ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब आप मुझ पर मेहरबानी क्यों करेंगे। उसने बोला नहीं, आप मुझे डॉक्टर ना कहें, आप मुझे अपना दोस्त समझें। अच्छा, मैं आपका एक अच्छा दोस्त भी साबित हो सकता हूँ। क्योंकि मरीज और डॉक्टर की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इलाज में भी प्रॉब्लम होगी। इलाज में प्रॉब्लम। तो उसने उसकी आसानी पैदा करने के लिए कहा कि मुझे अपना दोस्त समझे, दोस्त समझे, और आपको खाना मैं खिलाऊंगा। बिल्कुल, जो मैं घर से लाऊंगा वो आपने खाना है। बेहतरीन। घर से खाना आना शुरू हो गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, वो जो भी खाना घर से बना के डॉक्टर जॉर्ज लेके आता रहा, वो सिर्फ गोश्त बना के लाता रहा। मरीज को गोश्त खिलाता गया, वो गोश्त खिलाता गया। 15 दिन उसने गोश्त खाया है मरीज ने, और डॉक्टर जॉर्ज जो है वो 15 दिन उसके लिए अपने घर से खाना बना के लाता रहा। लेकिन हर चीज गोश्त में बनी, हर चीज गोश्त में बनी रही। 15 दिन के बाद उस पेशेंट को ये महसूस हुआ कि यार मैं तो हट्टा कट्टा हो गया हूँ, अब तो मुझमें इतना पावर आ गया है कि मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूँ। वो आदमी जो सीढ़ियां पकड़ पकड़ के चलता था, वो ये सोच रहा है कि अब तो मैं पहाड़ भी चढ़ जाऊंगा। 15 दिन, 15 दिन बाद जॉर्ज उससे पूछता है कि कैसा महसूस कर रहे हो। तो मरीज बेड से उतरता है और खड़ा हो जाता है, कह रहा देखो ऐसा महसूस कर रहा कि जब मैं आया था तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और आज तुमने मुझे खड़ा कर दिया। जॉर्ज का बड़ा शुक्रिया कहता है। जॉर्ज कहता है इसका मतलब आप मुतमईन हैं। बोले हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। वो डिस्चार्ज हो रहा है। बिल्कुल डिस्चार्ज हो रहा है। वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं ओके हो गया हूँ। तो जॉर्ज उससे कहता है कि ठीक है, अब आप सेटिस्फाई हैं तो मेरी तरफ से आप डिस्चार्ज हो गए, अब आप जा सकते हैं, लेकिन अपनी खुराक पे तवज्जो दीजिएगा। खुराक पे तवज्जो देनी, क्योंकि खुराक से ही तो वो ठीक हुआ है। बिल्कुल। उसने कहा मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे खुराक पे तवज्जो रखनी है। हेलोए करता है, डॉक्टर से गले मिलता है, उसका बड़ा थैंक्स कहता है, हॉस्पिटल से नीचे उतरता है, टैक्सी करता है, टैक्सी में बैठता है। तो जो टैक्सी में बैठता है, तो इत्तेफाक से वो जो ड्राइवर है टैक्सी का, वो भी पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी था। वो उसको देखते ही पहचान लेता है, कहता है आप इस हॉस्पिटल से जो आ रहे हैं, तो आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर आ रहे हैं, किसी पेशेंट से। उसने बोला नहीं, मैं तो यहाँ अपना इलाज करा के निकला हूँ। गाड़ी वे में थी, रनिंग में थी, ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। क्या आप यहाँ इलाज की गर्ज से आए थे? पेशेंट बोलता हाँ। बोला आपका इलाज कहीं डॉक्टर जॉर्ज एले ने तो नहीं किया? उसको कैसे पता? ये पेशेंट सोच के ये परेशान हो जाता है कि इसको कैसे पता। वो कहता है हाँ, मेरा इलाज एले ने किया। तो कहता है कि जॉर्ज ने आपको कुछ खाने के लिए तो नहीं दिया? उसने बोला खाने के लिए नहीं दिया? अरे भाई मुसलसल 15 दिन में जॉर्ज के घर का बना हुआ खाना खाता रहा हूँ।
तो ड्राइवर कहता है कि खाना जो तुम खाते रहे वो क्या था? पेशेंट बोलता है कि मैं जो भी खाता रहा वो गोश्त में था, और अब देखो मैं सेहतयाब होके वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो ड्राइवर पता है उससे क्या बोलता है? क्या ड्राइवर बोलता है? बजाहिर तो आप अपने आप को सेहतयाब समझ रहे हैं, लेकिन आप सेहतयाब हुए नहीं है, बीमारी तो आपकी अब शुरू हुई है। ये कहता है ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बोला हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये हॉस्पिटल मशहूर है इस बात से कि जॉर्ज जिसको भी कुछ खिलाते हैं वो गोश्त की सूरत में वो इंसानी गोश्त होता है। यानी जो वो गोश्त खाता रहा है वो इंसानी गोश्त इंसानी था। वो जो 15 दिन गोश्त उसने खाया है वो इंसानी था अहमद। वो कहता रोको गाड़ी वापस लो, वापस हॉस्पिटल, गाड़ी वापस हॉस्पिटल लो। वो ड्राइवर गाड़ी मूव करता है वापस हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में गाड़ी रुकती है, सीधा ऊपर जाता है जॉर्ज के रूम में, जाके दरवाजा धड़ से खोलता है और कहता है डॉक्टर जॉर्ज आप जो मुझे खाना खिलाते रहे वो क्या था? जॉर्ज की लाइट चली जाती है कि ये क्या पूछ रहा है। इसको कैसे पता चला? तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पेशेंट से बोला जॉर्ज ने। उसने कहा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि जो गोश्त मैं खाता रहा वो किस चीज का गोश्त था। उसने कहा कि तुम छोड़ो कुछ भी था, तुम ये देखो कि तुम अपने पैरों पे खड़े हुए हो। बोला नहीं मुझे वो बताओ जो तुमने मुझे खिलाया। कहा सुन सकोगे? बोला हाँ। बोले जो गोश्त तुम खाते रहे वो इंसानी गोश्त था। तो ये कंफर्म हो गया है कि इंसानी गोश्त था, क्योंकि डॉक्टर जॉर्ज ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो गोश्त जो मैंने तुम्हें खिलाया वो इंसानी था। फिर उसने क्या किया? डॉक्टर जॉर्ज का गिरबान पकड़ता है, उसे झंझोड़ देता है कि तुमने मुझे इंसानी गोश्त खिला के बचाया, अरे उससे तो बेहतर था कि तुम मुझे मरने देते, लेकिन कम से कम ये ना करते कि तुमने मुझे इंसानी गोश्त खिला दिया, अब मेरा क्या होगा? जॉर्ज उससे कहता है कि याद रखो तुम्हें हर 15 दिन में ये खुराक की तलब होगी, इस गोश्त की तलब होगी। मैंने तुमसे निकलते टाइम कहा था कि अपनी खुराक का ख्याल रखना। ये डॉक्टर को जितना भी बड़ा बुला बोलना होता है ये वहां उसको बोल के बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरता है, टैक्सी में बैठता है, फ्लाइट लेता है सीधा पाकिस्तान। अब जब ये पाकिस्तान आ जाता है, हफ्ता गुजरता है, 10 दिन गुजर गए, अब 10 दिन गुजरे इसकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। इंसानी गोश्त खाने के लिए इसको तलब हो रही है कि अब ये क्या करे। अब चूंकि किसी को मार के तो ये खा नहीं सकता, इसके दिमाग में तजवीज आती है क्या कि क्यों ना कब्रिस्तान का रुख किया जाए। फिर ये कब्रिस्तान चला जाता है अहमद। जब ये कब्रिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि एक बूढ़ा शख्स एक कोने में बैठा हुआ है जो कब्रिस्तान का चौकीदार भी है। अच्छा। ये उससे नजर बचा के कब्रिस्तान में इंटर हो जाता है। अब जब वो इंटर हो जाता है तो कोई ऐसी कब्र तलाश करता है कि जो ताजी हो। ओह माय गॉड, फूल पड़े हुए हों, पानी पड़ा हुआ हो, कब्र ताजी नजर आए। और जो ताजी कब्र नजर आएगी उसको ये निकाल लेगा। उसको ये निकालेगा। इत्तफाक से कब्र पे इसकी नजर पड़ती है। हाँ। कब्र को खोलता है। अब जैसे ही खोलता है तो इसको कराहियत होती है क्योंकि इसने ये काम कभी पहले किया नहीं, लेकिन उसको ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि गोश्त की तलब हो रही है। गोश्त की तलब हो रही है। वो मुर्दा निकालता है, अपनी गाड़ी में डालता है, घर ले जाता है, उसके पीसेस करके फ्रीज कर देता है उस बॉडी के जिसको वो कब्रिस्तान से ले गया है। पीसेस करके फ्रीज करता है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे हैं और वो मुर्दा खा रहा है। दिन गुजरते जा रहे हैं, मुर्दा खत्म होता जा रहा है। अब हफ्ता हो गया, अब अगर मुझे तलब हुई तो मैं क्या करूंगा? ये सोचता है इससे पहले कि ये खत्म हो जाए मैं कोई दूसरी लाश लाके डम कर देता हूँ। फिर कब्रिस्तान का रुख करता है। अब जब ये कब्रिस्तान पहुंचता है तो वहां देखता है कि वो जो बूढ़ा शख्स था
वो अब नहीं है। उसकी जगह कोई हट्टा कट्टा हेल्थी आदमी बैठा हुआ है। चौकीदार चेंज हो गया। चौकीदार चेंज हो जाता है। ये कहता है अब इसकी मौजूदगी में तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ा था, गनूदगी में था, मैं काम कर गया, ये जाग भी रहा है और सेहतमंद भी है, तो क्यों ना इससे डील की जाए। उसने पैसों की लालच दी। पैसों की लालच देता है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई क्या रात में तुम यहाँ ड्यूटी करते हो यार, छोड़ो झटके की बात करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ सिर्फ तुम मुझे एक मुर्दा निकाल ले। वो जो बैठा हुआ होता है चौकीदार कब्रस्तान का, वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, कहता है क्या बकवास कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि तुम मेरी मौजूदगी में कब्रस्तान से मुर्दा ले जाओ मुझे कुछ पैसे देके? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पिछले दिनों कब्रस्तान से लाश गायब हुई थी वो तुम ही लेके गए हो। वो कहता नहीं मैं नहीं लेके गया। वो कहता नहीं। चौकीदार उसको पकड़ता है कि वो तुम ही थे जो कब्रस्तान से मुर्दा लेके गए। इन दोनों की झड़प होती है, झड़प होती है। चौकीदार इसको धक्का देता है। जब धक्का देता है तो वो नीचे गिरता है, जो आदमखोर है वो नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही वो रिवॉल्वर निकालता है। आदमखोर रिवॉल्वर निकाल और उस चौकीदार के दिमाग पे गोली मारता है। अहमद यानी कहीं और नहीं कि ये बच जाए, सीधा दिमाग पे कि इसका काम हो जाए। चौकीदार को मार दिया, गोली मारी और वो वहीं लाश, वो वहीं मर गया। और फिर इसने लाश निकालने गया होगा कब्र से। अब क्या करता है, ये सोच रहा है कि मैंने इसे तो मार दिया। हाँ। अब लाश निकालना आसान हो गया। हाँ। मैं किसी भी कब्र से लाश निकाल के ले जाऊंगा। हाँ। दूसरे ही लम्हे इसके दिमाग में एक बात चलती है। हाँ। कि जब मैं लाश निकालूंगा तो मैं क्यों निकालूं, ये जिसको मैंने गोली मारी है ये भी तो लाश है। वो उस चौकीदार की लाश को उठा के अपनी गाड़ी में डालता है, हस्ब दस्तूर घर ले जाता है, वही पीसेस करके फ्रीज करता है। अब क्यों कि तलब है, वो वहां उसको खाता है। चौकीदार को खा गया वो। चौकीदार की जो गोश्त है चौकीदार का, वो पहली खुराक उसने खाई है और वो पहली खुराक उस गोश्त की उसको इतना मजा आता है कि वो पिछले सारे मजे भूल जाता है, ये सोच के कि यार ताजा मुर्दे की बात ही कुछ और। हाँ, क्योंकि अब तक जो उसको डॉक्टर ने खिलाया वो भी पुराना मुर्दा था, सब मुर्दे थे, और वो जो लाश उसने कब्रिस्तान से निकाली थी वो भी पुरानी थी, लेकिन जब इसने चौकीदार को मारा वो ताजा था, तो इसने ये फील करा कि ताजे गोश्त का मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ और है। वो उसकी जबान पे ऐसा लगा कि ताजा मुर्दे की बात ही कुछ और है। फिर इसने क्या किया, उसको फ्रीज किया। हाँ। खाता रहा। हाँ। अब जब खत्म होने के सिस्टम में आया कि यार ये तो खत्म हो जाएगा। हाँ। अब मैं कब्रिस्तान जाऊंगा तो इस तरह तो मैं सारी कब्रें खा जाऊंगा। एक सेकंड, मुझे कहानी समझ आ रही है। अब जब इसने सोचा कि मैं कब्रिस्तान जाऊंगा मुर्दा निकालूंगा वो तो पुराना होगा, बिल्कुल क्यों ना ताजा ही कोई काम किया जाए। अब तो ये क्रिमिनल भी बन गया, क्योंकि अब तो ये ताजा मार के खाएगा। बिल्कुल ऐसा ही करेगा। लेकिन उसके लिए उसने क्या गेम किया मालूम? हाँ। उसने सोचा ये चीज यहाँ रहते हुए मुमकिन नहीं है, शहर में मुमकिन नहीं है, शहर में मुमकिन नहीं है। आउट ऑफ वे चला गया, एक ऐसी जगह चला गया जहाँ सयाह वगैरह आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सवात हुआ, मरी हुआ, ऐसी जगह चला गया जहाँ बर्फबारी होते हैं, सुन सन्नाटा ऐसा, जहाँ टूरिस्ट आते हैं। हाँ। ये वहां चला गया क्योंकि पढ़ा लिखा था। उसने वहां पर जाकर एक होटल में अप्लाई करता है, होटल में मैनेजर की जॉब लग गई। अच्छा, उस आदमखोर की मैनेजर की जॉब लग गई होटल के अंदर। अच्छा, वो वहां पे मैनेजर लग गया। मैनेजर, अब क्या हुआ, अब उसने अपनी खुराक कहां से पूरी की? कहां से पूरी की? क्या देखता है कि 2 बजे का टाइम है, अंधेरी रात है, बाहर बर्फबारी हो रही है। अच्छा, 3 टूरिस्ट लड़के होटल में इंटर होते हैं, काउंटर पर आते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ 1 हफ्ता कायम करना है, हम 1 हफ्ता रुकेंगे, टूरिस्ट हैं तो हमें रूम चाहिए, ऐसा रूम दे दें जिसमें हम तीनों दोस्त एडजस्ट हो जाएं। रूम दे दिया जाता है। अब जब रूम दे दिया जाता है तो उसी रात को
वो तीनों लड़के वापस नीचे आते हैं कि हम में से इसके घर से फोन आ गया है, तीन में से एक लड़के के घर से फोन आ गया कि तुम्हारे वालिद की बहुत तबीयत खराब है, तुम्हें फौरी वापस आना है। अच्छा। और वो दो दोस्त कहते हैं कि बाहर तो बर्फबारी हो रही है और रात का ये पहर है, इस वक्त हम कैसे तुम्हें शहर तक छोड़ने जाएंगे। तो वो कहता है मैनेजर, जो वहां मैनेजर लग गया, वो कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फर्ज मेरा है, मैं इसे शहर तक ड्रॉप करूंगा, आप परेशान ना हो, अपने रूम में जाएं, इसे मैं शहर तक छोड़ के आ जाता हूँ। वो आदमखोर पे उसको शहर तक छोड़ने गया। छोड़ने गया? हाँ। छोड़ा नहीं, मतलब गया जरूर लेकिन छोड़ा नहीं। उसने उसके साथ भी वही किया कि उसे गाड़ी में छोड़ने की नियत से बिठाया और आधे रास्ते में जाके उसके दिमाग पे गोली मार दी, उस बच्चे के दिमाग पे जिसको वो छोड़ने जा रहा था। उस बच्चे को कत्ल किया, उसकी लाश को वापस लाया और वही हस्ब दस्तूर अपने उसने उसको फ्रीज किया। अब जब फ्रीज किया, इसी असना में एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीसरे दिन उन्हीं दोस्तों के पास दोबारा फोन आता है कि भाई हमने तुमसे कहा था कि हमारे बच्चे को भेज दो, तो तुमने अभी तक दोस्ती में उसको वहां रखा हुआ, तुमने भेजा नहीं। बच्चे कहते नहीं, वो तो तीन दिन पहले यहाँ से निकल गया, हमने तो उसे भेज दिया, वो घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने कहा नहीं, तो इन बच्चों को तजस्सुस होता है, ये मैनेजर के पास जाते हैं कि भाई आप हमारे यार को छोड़ने गए थे शहर तक, तो वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचा। वो उन्हें तसल्लियां करा रहा है कि कोई बात नहीं, हालात खराब है, रास्ता खराब होगा, पहुंच ही जाएगा, तुम छोड़ो इन बातों को, वो पहुंच जाएगा, आओ मेरे साथ। वो उन्हें अपने रूम में ले जाता है। आदमखोर, आदमखोर, आप यहां बैठे, आज का डिनर आप मेरे साथ करेंगे। अब ये तीनों मिलके खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खाने के दौरान उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त उससे पूछता है, किससे, मैनेजर से, मैनेजर से, कि आपने हमारे दोस्त को कहां ड्रॉप किया था। तो वो बजाय इसके कि उनको मुस्तनद जवाब देता, वो बात को आए बाएं शाएं कर देता है, वो बात को गोल कर देता है, यानी कोई जवाब सही नहीं दे रहा, जवाब सही नहीं दे रहा। अब जब जवाब सही नहीं दे रहा, ये दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं, इन्हें शक होता है कि जब वो नहीं घर पहुंचा तो यकीनन इसका हाथ है गायब करने में, गायब करने में इस शख्स, इस मैनेजर का हाथ है। खाना फारिग होता है और वो कहते हैं कि देखें, अगर हमारा दोस्त अपने घर सही सलामत नहीं पहुंचा तो तुम्हारी खैर नहीं। इस बात पे इन तीनों की झड़प होती है, मैनेजर को भी गुस्सा आ जाता है, मैनेजर को भी गुस्सा आता है, उन दोनों को तो गुस्सा था ही, अब चूंकि वो दो थे, ये एक था, आदमखोर अकेला था, आदमखोर अकेला था, उन दोनों दोस्तों ने मिलकर उस पर चढ़ाई कर देते हैं, हाथापाई हो गई, हाथापाई हो गई, और इस हद तक हाथापाई हुई कि उसको मार मार के अधमुआ कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। आदमखोर बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। अब जब वो बेहोश हो गया, ये दोनों दोस्त बैठे हुए और ये बात करते हैं कि अब ये होश में आएगा तो हम इससे पूछेंगे, अगर ये बताएगा तो ठीक, वरना फिर हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा। ये सोच ही रहे हैं, ये बात ही हो रही है, तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि चल यार फ्रिज से पानी पिला दे। एक उठता है, फ्रिज का डोर खोलता है। अब जब फ्रिज का डोर खोलता है तो वहां उनके यार का सर रखा हुआ है, वो दोस्त जिसको वो छोड़ने गया था, वो दोस्त जिसके साथ ये दोनों थे, उसका सर फ्रिज में रखा हुआ है। आदमखोर। फिर ये दोनों लड़के क्या करते हैं? अब जब देख लिया कि यार का सर वहां रखा हुआ है, हाँ, वो सोचते हैं अब क्या किया जाए, तो वो पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं। अब जब कमरे की तलाशी लेते हैं तो उसका रिवॉल्वर उन्हें मिलता है, मतलब आदमखोर जिस रिवॉल्वर से लोगों को मारता था वो लड़कों के हाथ लग गया, वो रिवॉल्वर उन बच्चों को मिल जाता है। फिर अब जब बच्चों को मिल जाता है तो चूंकि उनको ये कंफर्म हो जाता है कि इसी ने मारा है, सर रखा हुआ है, हाँ, तो अगर ये जिंदा रहा तो ये पता नहीं कितनों को मार देगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि ये इंसान नहीं, इंसान नहीं, ये आदमखोर है।
उसी के रिवॉल्वर से उसके सीने पे बैठ के एक यार उसके दिमाग पे चार गोलियां मारता है। डास 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 डास। तो यानी आखिरकार आदमखोर अपने अंजाम तक पहुंच गया। जी हाँ। और जो लोग उसने खाए वो वापस तो नहीं आ सकते। बिल्कुल। लेकिन वो और जिन लोगों को खाता वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठने से बच गए। बिल्कुल। तो यकीनन कहानी खत्म और सब कुछ सही हो गया, आदमखोर मर गया। तुम्हारे हिसाब से कहानी खत्म, मेरे हिसाब से खत्म नहीं है। मतलब उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अपने ही दोस्त का गोश्त जो उन दो दोस्तों ने खाया है, अहमद 15 दिन के बाद इनको अगर भूख लगी, इनको अगर तलब लगी, ये क्या करेंगे? उसको भी इंसानी गोश्त खाने के बाद इंसानी गोश्त की तलब हुई थी, और क्योंकि ये अपने दोस्त का इंसानी गोश्त खा चुके हैं, इनको भी अब गोश्त की तलब होगी 15 दिन बाद। बिल्कुल होगी। ओह माय गॉड। तो यानी ये भी किसी को मार के खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। तो फिर आगे इन्होंने किसको मारा? पता नहीं कितनों को मारा होगा अहमद। नहीं, आगे की कहानी बताए ना। आगे की कहानी क्या बताऊं? मैं तो समझता हूं कि ये कहानी यहां खत्म है, लेकिन वो जो दो हैं, न जाने वो क्या करेंगे। यार देखिए शेख साहब, फिर आपने अधूरी कहानी सुनाई। आप क्यूरियोसिटी छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि कहानी का, जब आप कहानी शुरू कर रहे हैं तो उसका एक एंड भी होना चाहिए। तो इसका एंड कहाँ है? मतलब अब हमें ये भी तो बताएं, वो जो आदमखोर तैयार हुए दो, हाँ, तो उन्होंने अपनी खुराक कहाँ से पूरी की? उन्होंने अपनी खुराक ऐसे पूरी की होगी, हाँ, जहां तक मैंने सुनी, हाँ, वहां तक तुम्हें सुनाई, हाँ। अब ये जो दो रहते हैं, हो सकता है इनकी भी कहानी हाथ में आ जाए, तो फिर मैं आपको आके वो भी सुनाऊंगा। उस कहानी का फिर मैं यही एंड समझू, यही एंड था। बिल्कुल यही एंड समझी।